फिर like, आई माँ की खदमत माँ इतनी बड़ी चीज है उसमें से की अंदर, फिर अपने वालिद की दोस्तों के साथ अपने हमदर्दी करी वालिद की दोस्तों के साथ एहतराम उनकी इकराम किए उसकी फरमाया जिलिहा रसूल मकबुल सल्ला वसल्लम के पास एक आदमी आया काला या काला रजुल या रसूल अल्लाह मन हक को भी हसन साहबती या रसूल अल्लाह मैं किसके साथ हसन सलूक करूँ तो रसूल मकबूल वसल्लम ने फरमाया काला उम्म तीन मरतबा लग रसूल ने फरमाया काला उम्म काला उमु काला उम्म फिर फरमाया काला अबू तेरे मां की खदमत कर तेरे मां की खदमत, तेरे मां की खदमत फिर फरमाया तेरे बाप की खदमत फिर फरमाया अल्लाह इज़्ज़त, तेरे बाप की खदमत, फिर रसूल मकबूल वसल्लम इनके बारे में जो फरमाया फल फर जमा फा, फा इन जन्नता और एक शख्स रसूल मकबू वसल्लम के दरबार में आकर हाजिर हुए और कहने लगा यार रसूल अल्लाह मैं जहाद करना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम ने आरस किया क्या तेरे माँ जिंदा है कहने लगा जी हाँ मेरे माँ जिंदा है तो रसूल मकबूल सल्ला वसलम ने फरमाया जा तेरे माँ की खदमत कर फिर फाजमा फाइनल जन्नत अपने वाला की खदमत करता रहा क्योंकि जन्नत उसकी कदमों के पास है और एक हदीस में है जन्नत आता उम्मा हाथी तेरे मां की कदम के नीचे जन्नत है तेरे मां की कदम के नीचे जन्नत है कि मां कितनी बड़ी चीज है जब मां याद आती मेरे दोस्तों मां से मां की मां की पहली लफ्ज देखो कि मजीद यानी बुजुर्गी मां की पहली लफज देखो तो मोहताज हमें याद आती है मतलब मोहताज मोहताजी का मतलब क्या फकीरी तेरे मोहताजी दूर हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल अंदर वसात अता फरमाएंगे फिर माँ जब लेता है तो माँ से मदीना आती है माँ से मक्के आती हैं कि जब माँ की शक्ल की तरफ तू दिखता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे माँ की शक्ल की तरफ जितना दफा तू देखेगा इतना दफा इज़्ज़त तुझे उम्र हज और उम्र की सबाब अता फरमाएंगे जब माँ से मकबरा वो मकबरा जब तू माँ की खिदमत करेगा यकीन तेरे कबर अल्लाह रब्बुल रब्लामिन वसात कर देंगे पर वो माँ की औलाद जब तू माँ की ख़दमत करेगा यकीन अल्लाह रब्बुल रब्ल तुझे हर किस्म की मुश्किल हर किस्म की मुसीबत से नजत ता फरमाएंगे माँ इतनी बड़ी चीज है माँ की दुआ इतनी बड़ी चीज है एक बंदा ने अपने मां को कंधे में उठाकर बैतुल्ला की तवाफ किया सात चक्करे खाए फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे या रसूल अल्लाह मैंने अपने मां को अपने कंधे में उठाकर सात मुर्तबा बातुल्ला की तवाफ़ किया क्या मेरे मां की हक अदा हो गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं तो अपना मां की एक कतरा खून की भी बदला अदा नहीं कर सका अब जब मां की कितनी बड़ी दर्जा है और एक है बम्बई वाले हाजी ज अपने मां को कर कराती हैं माँ की मोहब्बत से तो ऐसी वजह से फरमाया कि जब भी माँ बाप के साथ हस्न सुलूक करो हमेशा मुदाम के साथ ऐसे नहीं कि कभी खदमत किया और कभी खदमत नहीं की जब तुम जवान थे शादी से पहले अपने माँ की खूब खूब खिदमत की अब शादी की बाद अपने माँ को तुम भूल गए अपने बीबी के पीछे लगे पड़े हो या घर को छोड़कर बीबी जहां कह रहे तुम वहां पहुंच गया मां की अल्तफात नहीं है तुम्हारे अंदर माँ की नजर नहीं है तो तुम्हारा की मोहब्बत तुम्हारे दिलु के अंदर नहीं है मां की ख्याल तुम्हारे दिलु के अंदर नहीं है तो सलू कहां रह गए जब जवानी में जब जवान थे तुम एक बम्बई हाजी के नाम से हैं मैं कहना है चाहता हूं कि मुंबई हाजी वो इंडिया की एक गांव देहात से अपने शादी से पहले माँ को खूब मोहब्बत करते थे वो बंदा खूब मोहब्बत करता था एक दिन इतफाकिया कहने लगा माँ माँ हमेशा माँ की खदमत हमेशा माँ की खदमत नमाजी भी थे फरजगार भी थे और फिर अपने माँ को कंधे में उठाकर मुंबई तक पहुंचा ना आने के बाद क्या अम्मा अब मेरे हिम्मत नहीं हो रहा माँ अब इस साल हम वापस ही चले जाते हैं आइंदा साल इंशाल्लाह हम कोशिश करते दोबारा तुम्हें हज करा देंगे लोगों ने पूछा हाँ तेरे माँ को तूने हज करा दिया बोले हाँ माँ को तो मैंने हज करा दिया कहा था बोले मुंबई तक पहुंचा तो बम्बई हाजी के नाम से मशहूर हुआ वही बंदा अपने मां से कितने अच्छे सुलूक और हसन सुलूक क्या करते थे लेकिन फिर जब वो शादी कर लेता था शादी कर लिया शादी करने के बाद ही मां की खिदमत की बजाय एक दिन उसकी माँ ने बोला बेटा तूने तो बोला मुझे हज कराएगा इससे पहले तो तुझे तूने मुझे कंधा में उठाकर मुंबई तक लेके पहुंच गया था और जिसके बदला में तुझे दुनिया वाले बम्बई हाजी के नाम से मशहूर कर दिया आज बेटा चल रहा मुझे भी हज करा दे आज जब ये कहने लगा कि अम्मा ये पहले की बात थी जब मैं शादी नहीं किया अब तो मैंने शादी कर लिया अब मेरे पास हज तुम्हारे लिए जो है ना हज का मौका नहीं है मैं अपने बीवी बच्चे का खिदमत करूं या तुम्हारी खदमत करू नजुबिल्ला ये मुंबई आजी और एक वो शख्स है जो अल्लाह के वसल्लम के पास जाकर पहुंचा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तूने बैतुल्ला के की साथ मरतबा तवाफ किया करने के बाद तूने अपना मां की एक खून का बदला भी नीचे उसूल नहीं कर पाया उसका बदला नहीं हुआ एक मां की खून की एक कतरे तूने अभी तक उसूल नहीं किया तो मां की क्या हक तू तो उसूल किया शादी से पहले मां से बड़े हमदर्दियां और शादी की बात मां से बिल्कुल बदल गई अब यह हाजी मुंबई हाजी के नाम से इसका नाम मशहूर हो गई शादी से पहले तो अपने मां से हमदर्दी शादी की बात मां से दूर हो गए अपना बीबी बच्चों के पीछे लग गए तो इसी वजह से फरमाते हैं कि मां की मां बाप की खिदमत करो तो मददमक की साथ हमेशा की, की साथ ऐसे नहीं आज किया कल नहीं किया तुमने हर वक्त मां की खिदमत में लगे रहो ऐसी तरीके से मेरे दोस्तों औरत मां है तो तुम्हारे लिए जन्नत के आठ दरवाजे खुला है और औरत अगर तुम्हारे बेटी है और रसूल मकबूल वसल्लम ने इशाद फरमाया कि माँ है तो तुम्हारे लिए नजात की ज़रिया है माँ है तुम्हारे लिए तुम्हारे रिजिक के अंदर की अ फरमाते माँ है तुम्हारे कब्र के अंदर भी वसात रब्बुल रब्बालम वसात अता फरमाएंगे माँ है तुम्हारे उम्र में भी इजाफा अता फरमाएंगे तुम्हारे उम्र के अंदर अल्लाह रब्लम दराज तुम्हारे उम्र अता फ़रमाएंगे लंबी उम्र तुम्हें मिलेगा माँ है तो तुम्हारे हर किस्म की मुसीबत हर किस्म की मुश्किल तुमसे दूर हो जाएंगे हर किस्म की मोहताजी तुमसे दूर हो जाएंगे तुम्हारे हर किस्म की फ़किरियाँ ख़त्म हो जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें गनी बना देंगे तुम मलदार बन जाओगे माँ की दुआओं से फिर माँ ऐसी बड़ी चीज़ है कि जिद्दी दफा अपना माँ की शक्ल की तरफ़ देखते रहो अल्लाह पाक परवाद कर आलम तुझे हर दफ़ा नज़र करने पर फरमाया कि एक हज और उम्र की रब्बालम